अगर संघ, ठीक है सर, अब संघ ये कह रहा है कि वो वक्त के साथ आगे बढ़ रहा है, तो उसमें स्केप्टिसिज्म क्यों, उसे शंका से क्यों देखना? अदिति जी, इसके पीछे एक वजह है। वजह ये है कि एक तरफ बातें हो रही हैं और दूसरी तरफ उन बातों पर अमल नहीं किया जा रहा है। एक तरफ मोहन भागवत जी कहते हैं कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जानी चाहिए, वो बताते हैं कि संघ किस तरह आगे जा रहा है, प्रोग्रेसिव हो रहा है, लेकिन दूसरी ओर जब अंकिता भंडारी नाम की एक बेटी का मर्डर होता है उत्तराखंड में, तो संघ का ही एक व्यक्ति आगे आकर उसके पिता को पूरा दोष देते हुए ये कहता है कि गलती तो सारी उस पिता की है जिसने की कच्चा दूध भूखे शेरों के सामने रख दी। तो ये संघ के दो दो तरह के चरित्र हमारे सामने क्यों आ रहे हैं? अगर महिलाओं पर अत्याचार होता है, अगर महिलाओं के खिलाफ अपराध होते हैं, तो संघ अपनी पूरी ताकत के साथ आगे क्यों नहीं आ पाता है? और उसके साथ साथ ही एक महिला होने के नाते मैं ये भी कहना चाहूंगी कि अगर संघ का पॉलिटिकल हस्तक्षेप अच्छा है, अगर संघ का सामाजिक हस्तक्षेप अच्छा है, तो क्यों नहीं वो 30% वुमेन्स रिजर्वेशन बिल को अपना पूर्ण रूप से समर्थन दे के कोशिश करते कि 2024 के लोकसभा इलेक्शन से पहले ये बिल पास हो जाए। नेहा जी, आपकी पार्टी में भी कितनी बार पार्टी को महिलाओं ने लीड किया है और वो क्यों लीड कर पाई, ये आप जानती हैं, और ये आपकी पार्टी पर पॉलिटिकल आरोप लगते रहे हैं। और दूसरा, जो दिग्विजय सिंह पूछ रहे हैं कि मुसलमानों की एंट्री कब होगी संघ में, तो मुझे लगता है आपने वो जवाब भी सुनी लिया होगा जब मैं हाजिक खान से सवाल कर रही थी। देखिए, दिग्विजय सिंह ने बहुत सारे सवाल पूछे हैं। उन्होंने ये भी पूछा था कि संघ का रजिस्ट्रेशन कब होगा, और मोहन भागवत जी ने कहा था कि संख्या बल के हिसाब से महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन देना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, लेकिन संख्या बल की अगर बात करें तो बहुजन है, दलित है, उनको भी रिप्रेजेंटेशन देना चाहिए। जहां तक आप मेरी पार्टी की महिला नेताओं की बात कर रही हैं, आप अच्छे से जानती हैं कि संघ के जन्म से भी पहले हमारी पार्टी में, इंडियन नेशनल कांग्रेस में, दो दो महिला प्रमुख हो चुकी थी। तो कृपया उस तरफ हम ना ही जाए तो बेहतर रहेगा। आज के परिप्रेक्ष्य में संघ क्या कर सकता है, किस तरीके से अपनी प्रोग्रेसिव भूमिका निभा सकता है? सिर्फ सेविका समिति के बारे में आप जानती हैं मैम? बिल्कुल अच्छे से जानती हूँ मैं जी, उसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, अच्छी बात है अगर वो राष्ट्रीय सेविका समिति बना रहे हैं, उन्हीं में से किसी महिला को निकालकर अगर वो संघ का प्रमुख भी बना सके और वो उन्हें लीड कर सके प्रोग्रेसिवनेस की तरफ, तो मुझे अच्छा लगेगा। और दिग्विजय सिंह ने भी यही कहा था कि अगर उनकी बातों पर अमल होता है या उनकी बातों के जवाब दिए जाते हैं, अगर कोई महिला, कोई SC, कोई ST, कोई OBC आकर, चाहे कितने भी मंच बना ले RSS, वहां से निकलकर अगर कोई संघ को लीड कर सकता है, कोई ऐसा व्यक्ति जो चित्पावन ब्राह्मण नहीं है, तो अच्छी बात है, हम उसका स्वागत करेंगे। जवाब ले लीजिए, संगीत रागी से जवाब लीजिए। देखिए, जो अभी बता रही थी नेहा जी, मुझे इससे पता लगता है कि उनको राष्ट्रीय सेविका समिति की जानकारी ही नहीं है, उसके बारे में ये जानते ही नहीं है। राष्ट्रीय सेविका समिति जो है, महिलाओं का दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है, महिलाओं के बीच में काम करती है, और वो कम से कम 350 प्रकल्प चलाती है बंधु भगनियों के लिए, जो सेवा बस्तियों से भी जुड़े हुए होते हैं। बनवासी कल्याण आश्रम एक ऐसी संस्था है जो 44,000 बनवासी क्षेत्रों में काम करती है, और उसके बड़े बड़े पदाधिकारी जो हैं वो बनवासी क्षेत्रों से ही आते हैं। जो संघ के अंदर जो राष्ट्रीय सेविका समिति है, उनके जो प्रमुख हैं और उनके पदाधिकारी हैं, वो भी उन क्षेत्रों से आते हैं। तो ये आपकी जानकारी का अभाव है, शायद आपको जानकारी नहीं है। इसके अलावा 1993 से विश्व हिंदू परिषद दलित बस्तियों में से लोगों को ले जा कर के उनको ट्रेनिंग देती है, ताकि मंदिरों के पुजारी जो हैं वो दलित बन सकें, और ऐसे 4,000 मंदिरों के पुजारी जो हैं दलित काम कर रहे हैं। तो आपको जानकारी का बिल्कुल अभाव है। दिक्कत क्या है कि संघ के जो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता आते हैं, उनको अपनी ही पार्टी का इतिहास ज्ञान नहीं होता है। लेकिन ठीक है, अब वो टिप्पणी करने के लिए जानकारी रखें। जवाब ले लीजिए प्लीज। सेवा भारती एक ऐसी संस्था है सर, जवाब ले लीजिए प्लीज। देश के हजारों सेवा बस्तियों में काम करती है। मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस पार्टी का एक भी अनुसांगिक संगठन रचनात्मक कार्य में इस देश में कोई योगदान करता हो। सत्ता एक छोटी सी टिप्पणी और कर देता हूँ चूंकि आचार्य जी भी आप ही के पार्टी से हैं, तो आचार्य जी ने कहा कि मोहन भगवत जी जाते हैं, दोनों में बड़ा अंतर है। राहुल गांधी जब जाते हैं
तो सत्ता के लिए उनके पास जाते हैं। कमलनाथ जाकर के कहते हैं 90% मुसलमानों वोट कांग्रेस को दो, तभी हम सत्ता में आ सकते हैं। जब मोहन भागवत जी जाते हैं तो सभ्यता और संस्कृति पर संवाद के लिए जाते हैं, वोट के लिए नहीं जाते हैं और किसी दबाव में नहीं जाते हैं। ये बिल्कुल बात साफ हो जानी चाहिए, संघ किसी के दबाव में नहीं। और एक अंतिम बात और कह दूं कि संघ समाज को सशक्त बनाना चाहता है, संघ स्वयं आकर के ये नहीं करता। नेहा जी आपका जवाब, उसके बाद आचार्य प्रमोद कृष्णम। बहुत बहुत सारी अच्छी बातें संगीत जी ने बोली, थैंक यू संगीत जी, आपने मुझे इतना एनलाइटन किया संघ के बारे में। और आप जानना चाहते थे कि कांग्रेस पार्टी के अनुसांगिक संगठन कैसे काम करते हैं। आपको याद होगा, अगर आपने आंखें बंद ना रखी हो अपनी, कि 2 साल से 2020-2021 में कोरोना था। आपको पता है दुनिया की सबसे बड़ी यूथ ऑर्गेनाइजेशन कौन है? वो है इंडियन यूथ कांग्रेस, भारतीय युवा कांग्रेस, जो कि कांग्रेस पार्टी का एक हिस्सा है। और आपको पता है हम पूरे कोरोना के समय क्या कर रहे थे? वो दिखाई देती है कहीं यूथ कांग्रेस? इसलिए आप भी मेरे बीच में मत बोलिए, ओके? दूसरी बात आप देखिए, यूथ कांग्रेस ने बहुत अच्छा काम किया, लोगों की जान बचाने का काम किया। आप कह रहे हैं कि दलितों को 4000 मंदिरों में पुजारी बनाया, बहुत अच्छी बात है, मैं बहुत आपको इसलिए अप्रिशिएट करती हूँ। अब एक दलित को उठाकर आप RSS का प्रमुख बना दीजिए, दिखा दीजिए आप कितने प्रोग्रेसिव हैं, दिखा दीजिए आप बाकी संख्या बल के बारे में बात करते हैं। और आप क्या कह रहे हैं कि हम लोग तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं? तुष्टीकरण की राजनीति यहाँ कांग्रेस नहीं करती, कांग्रेस एक सेक्युलर पार्टी है, सबका मान करती है, सबका सम्मान करती है। हंसने ठीक है, हंसिए हंसिए, क्योंकि हंसने के अलावा शायद आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। और आप शायद यहाँ मेरी बातों को डिमीन करने के बारे में सोच रहे हैं कि लोग सोच रहे हैं कि नहीं कर रहा हूं। तो बेहतर होगा, मैं डिमीन नहीं कर रहा हूं, दर्शकों का वक्त कीमती होता है, अगर आप उसे रिस्पेक्ट कर सके। मैं डिमीन बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, उसे रिस्पेक्ट कर सके। कांग्रेस कांग्रेस का मूल चरित्र क्या है? मुझे तीसरे गेस्ट के पास जाना पड़ेगा, मुझे तीसरे गेस्ट के पास जाना पड़ेगा। प्लीज नेहा जी 20 सेकंड्स, उसके बाद आचार्य प्रमोद कृष्णम, प्लीज। My only question and Digvijay Singh ji's question is this, कि अगर आप इतना सारा काम कर रहे हैं महिलाओं दलितों के लिए, प्लीज एक महिला को और एक दलित को आप उठाइए और RSS का प्रमुख बना दीजिए, हम भी देखेंगे। मैं आपके लिए तालियां बजाऊंगी यहाँ बैठकर, डेफिनेटली संगीत जी आप और मैं साथ में बैठकर मुस्कुराएंगे। आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, मेरा सवाल आपसे है, प्लीज। मैं आचार्य प्रमोद कृष्णम जी से सवाल है, आचार्य प्रमोद जी प्लीज सर, मुझे डिबेट करनी है और मुझे गेस्ट को इंक्लूड करना है सर। आप कैसी बातें करती हैं? एक सेकेंड, आई एम सॉरी। आचार्य प्रमोद कृष्णम जी आपसे सवाल है मेरा, और सवाल आपसे मेरा ये है, यहाँ पर जिस तरह का डिस्कशन हो रहा है, दिखा दीजिए, साबित कर दीजिए, आप ये सोचते हैं, ये करते हैं। अगर कल को बीजेपी ये आकर कहने लगे कि कांग्रेस का अगला प्रेसिडेंट एक महिला को होना चाहिए जो कि गैर गांधी हो, ये मांग वाजिब होगी? आप मुझसे पूछ रही हैं? जी जी, आप ही से पूछ रही हूँ सर। क्या सवाल है? मैं सुन नहीं पाया था उसमें। मैं कह रही हूँ यहाँ पर पूरी चर्चा में हो रहा है कि संघ ये साबित करे, ये दिखा दे, दलित को बना दीजिए, महिला को बनाकर दिखा दीजिए। मेरा सवाल ये है, कल अगर बीजेपी आकर ये मांग रख दे कि कांग्रेस का जो अगला प्रेसिडेंट है उसे एक महिला होनी चाहिए, एक गैर गांधी महिला कांग्रेस की अगली प्रेसिडेंट होनी चाहिए, क्या वो बीजेपी की मांग जायज होगी, वाजिब होगी? नहीं, देखिए दो बातें हैं आदिति जी, आप बहुत ही गरिमापूर्ण बहस करा रही हैं, तो ये सारगर्भित बहस होनी चाहिए। मैं दो बातें कहूंगा। पहली बात, कांग्रेस पार्टी जो बातें करती थी और जो काम करती थी उनको संघ और बीजेपी मुस्लिम तुष्टिकरण का नाम देती थी। उन्हीं कामों को, उन्हीं बातों को आप राष्ट्रहित में कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, मैं उसको अप्रिशिएट करता हूं, मैं उसको कतई उसकी आलोचना नहीं करूंगा। लेकिन देर आए, दुरुस्त आए, लगभग 100 साल का संघ का जीवन हो चुका है, होने को चला है, और आप उसमें नारी सशक्तिकरण की आपको याद आई, बहुत अच्छी बात है। जहां तक दिग्विजय सिंह जी का सवाल है, तो मैं बताना चाहता हूं कि दिग्विजय सिंह जी जो कह रहे हैं, संघ बिल्कुल वो काम करेगा, क्योंकि राहुल गांधी जी की यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा का प्रभाव मोहन जी पे ऐसा पड़ा है कि वो मुस्लिम उलेमाओं से मिलने के लिए चले गए, तो दिग्विजय सिंह जी के सवालों का जो प्रभाव है वो भी संघ पर पड़ेगा, सुनिश्चित है। जहां तक सवाल है कांग्रेस पार्टी का, आपने कहा गैर गांधी महिला, बिल्कुल बन सकती है, क्यों नहीं बन सकती, जब गैर गांधी पुरुष बन सकता है कांग्रेस का बन सकती है, नहीं बन सकती, नहीं कह रही हूं मैं, आप मेरा सवाल मिस कर गए।